दोस्तों, इस मूवी की कहानी है जिसमें इंसान और एलियन के डीएनए को मिलाकर नए नए आविष्कार किए जाते हैं। कहानी मिरांडा नाम की लड़की की है जो अपनी पढ़ाई को पूरी कर ऑक्सफोर्ड जाने की तैयारी करती है, पर उसका वहाँ जाने को मन नहीं होता है और वो अपने टॉम अंकल से मना कर रही होती है। पर उसका टॉम अंकल कहता है कि तुम वहाँ जरूर जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो रेडी हो जाती है। ऑक्सफोर्ड जाने की खुशी में वो पार्टी करने चली जाती है, पर वो वापस नहीं आती है। उसका टॉम अंकल उसकी फिक्र करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो कहीं बेहोश पड़ी होती है, पर एक आदमी की नजर जाती है। वो उसको हॉस्पिटल पहुँचा देता है। टॉम अंकल को हॉस्पिटल से कॉल आती है। टॉम अंकल जो है हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं तो उन्हें रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ लगती है, तो बड़ा डॉक्टर आके भी उसकी रिपोर्ट चेक दोबारा करता है। जैसे ही वो उसकी रिपोर्ट चेक कर रहा होता है तो मिरांडा उठकर उस पर हमला कर देती है। वो डॉक्टर जो है मर जाता है। वहाँ नर्स आती है तो वो उसको भी मार देती है और सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो टॉम अंकल वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि मिरांडा वहाँ बेहोश पड़ी होती है। फिर वो उसे इंजेक्शन लगाकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी मिरांडा अपने अंकल से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, ये हम कहाँ जा रहे हैं। टॉम अंकल कहता है कि हम मेक्सिको जा रहे हैं, तुम बीमार हो मिरांडा। तो मिरांडा कहती है कि टॉम अंकल मुझे सच से बताओ, मुझे क्या हुआ है, हम क्यों जा रहे हैं। टॉम अंकल उसको सब सच से बता देते हैं कि तुम मेरे और मेरे फ्रेंड द्वारा बनाई हुई एक रचनात्मक हो, तुम्हें हमें एक दूर ग्रह से एलियन द्वारा भेजे गए डीएनए और इंसानी डीएनए से मिलकर बनाया है। मिरांडा को यकीन नहीं आ रहा होता है, पर यह सच होता है। वो कहता है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज जो है फोबस के पास होगा। तभी दोनों मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। टॉम अंकल मैक्सिको जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उधर मिरांडा का कलर जो है चेंज हो रहा होता है। वो अपने टॉम अंकल को बुलाती है। टॉम उसे इंसानी हार्मोन्स वाला इंजेक्शन देता है तो वो थोड़े समय के लिए ठीक हो जाती है। वो लोग मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग एक होटल के रूम में रहते हैं और फोबस की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस आदमी को कहीं देखा है, तो होटल वाला मना कर देता है। वहाँ उन दोनों की बातें वहाँ एक आदमी सुन रहा होता है। अंकल टॉम जो है मिरांडा को रेस्ट करने के लिए कहता है और वो खुद फोबस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो वहाँ लोगों से फोबस के बारे में पता करता है। तभी वहाँ एक एलियन घोस्ट लड़की आकर टॉम पर हमला कर देती है। टॉम अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। जैसे ही वो टॉम को मारने वाली होती है वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो पुलिस को देखकर भाग जाती है। टॉम की जान जो है बच जाती है। तभी वो आदमी टॉम के पास आ जाता है जो उनकी बातें सुन रहा होता है। वो टॉम से कहता है कि मैं एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर को जानता हूँ जो पैसे लेकर तुम्हें फोबस के पास पहुँचा देगा। वो उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चला जाता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर जो है टॉम को जान से मारने की कोशिश करता है। तो टॉम जो है अपनी जान बचाकर उसे गाड़ी में फंसा देता है और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जो है मर जाता है। टॉम उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। वो आदमी टॉम को बंदूक से मारने लगता है। तभी वहाँ मिरांडा वहाँ आकर टॉम को बचा लेती है और फोबस का पता लेकर उसके घर पहुंच जाती है। फोबस जो है टॉम को देखकर हैरान हो जाता है। टॉम इतने सालों बाद यहाँ कैसे। टॉम फोबस से कहता है कि ये सब तुम ही करा रहे हो ना, तुम ही मुझे मनवाना चाहते हो ना। फोबस कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तब टॉम कहता है इस एलियन घोस्ट ने मुझ पर हमला किया। फोबस कहता है कि सॉरी यार, मुझे नहीं पता था, तब ये बातें बता दो। तो टॉम जो है मिरांडा को सब कुछ बता देता है। वो टॉम से चर्च जाने की बात करती है। वो दोनों ईश्वर से प्रार्थना कर बाहर आते हैं। उन्हें फोबस देखता है तो फोबस कहता है कि एक तरीका है इसे बचाने का, अगर इसे जिंदा रखना चाहते हो तो इसे जिंदा इंसान का डीएनए मिल जाए तो इसको बचाया जा सकता है। तभी टॉम किसी लड़की को किडनैप कर उसे फोबस के पास ले जाता है। वो लोग उसका डीएनए मिरांडा को दे देते हैं। मिरांडा जो है ठीक हो जाती है, पर वो उसका स्वभाव जो है अब पहले जैसा नहीं रहता है। वो पहले से काफ़ी बदल जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी टॉम जो है फोबस से पूछता है कि तुमने इसको ये क्या कर दिया है। फोबस कहता है कि मुझे देखने दो,
तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर का एलियन बाहर आने वाला है। हमें उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। वो टॉम को एक इंजेक्शन जो है मारने वाला देता है, जहाँ भी मिरांडा दिखे उसे मार देना। दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, तभी देखते हैं कि वो एलियन लड़की जो है गोस्ट टॉम के पीछे पड़ जाती है। कहती है कि जिस दिन से तुम यहाँ आए हो तब से सब गलत हो रहा है। वो टॉम को मारने लगती है, पर टॉम अपनी बहादुरी से उसे हरा देता है, वहाँ से भाग जाता है। उधर जो है मिरांडा सबको मार रही होती है, फोबोस उसके पास पहुँच जाता है, वो फोबोस को भी मार देती है, खुद बेहोश हो जाती है। वहाँ तभी टॉम भी पहुँच जाता है, वो उसे इंजेक्शन लगा देता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। वो शैतान बाहर आ जाता है, वो टॉम को मार रहा होता है, तभी देखते हैं कि वहाँ पर शैतान एलियन गोश्त भी आ जाती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर टॉम दोनों को मार देता है।